नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात चुनावों की। आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 57.5% मतदान हुआ है। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हुआ। लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, पीलीभीत, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर जिलों की विधानसभा सीटें इसमें शामिल थी। चौथे चरण की सभी 59 सीटों में से 2017 में बीजेपी को 51 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी, इसलिए आज का चरण बीजेपी के लिए काफी अहम है। और ये भी अहम रहा कि किस तरह से केंद्रीय राज्यमंत्री जो हैं अजय मिश्र टेनी आज लखीमपुर खीरी में वोट देने आए, लेकिन कड़ी सुरक्षा घेरे में उन्होंने वोट दिया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों का घेरा बनाकर उन्हें पोलिंग बूथ तक ले गए और फिर वही उसी तरह वो वापस भी गए हैं। तो चुनावों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं सलमान खुर्शीद, देश के पूर्व कानून मंत्री, विदेश मंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। सर, आपका इस चरण के लिए क्या आंकलन है, खासतौर से जैसे रायबरेली की सीट आती है, कांग्रेस के लिए बहुत अहम है। 6 सीटें पिछली बारी 2 सीटें जीती थी और जो 2 विधायक जीते थे वो अब बीजेपी में चले गए, तो उस लिहाज से आपका आंकलन कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कैसा है? देखिए, हमने शुरू से कहा है कि एक बड़ी कठिन चुनौती का सामना करते हुए हम इस चुनाव में उतरे हैं। हमने बहुत सोच बूझ कर ये फैसला किया कि अपनी पार्टी को सशक्त करने के लिए हमें हर जगह चुनाव लड़ना है। हम बहुत समय से हर जगह चुनाव नहीं लड़े थे। जहां जहां बार बार हमने समझौते किए उस कारण हमने अपने कार्यकर्ता को निराश किया था, तो हम हर जगह लड़ रहे हैं और एक नई दिशा से लेकर लड़ रहे हैं। हमने 40% महिलाओं को हमने भागीदारी दी है इस चुनाव में, और उसी के साथ साथ हमने प्रयास ये किया है कि हम फोकस विकास की बातों पर रखें। अब ये इसका कहाँ कहाँ तक प्रभाव पड़ता है, कितना हम जनता को इस बात पर ला पाते हैं और इस दिशा में ले जा पाते हैं, ये सब परिणाम आएंगे तब पता लगेगा। हर जगह हम दिख रहे हैं हमको कितना। आपने कहा कि हम दिख रहे हैं और आपने 40% महिलाओं की सीट की बात की, लेकिन आज ही बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और खास तौर से जिक्र किया जाता है जो प्रियंका गांधी की थीम है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तरफ से कि इसका कुछ असर होने वाला नहीं है, जो पोस्टर गर्ल थी वो तो खुद चली गई बीजेपी में, तो क्या मायने है इसके? पोस्टर गर्ल से एक आइडिया पोस्टर गर्ल नहीं होती है। पोस्टर गर्ल जो बनी थी अगर वो रहती तो अच्छी बात रहती, लेकिन नहीं रहे। जो आइडिया है, जो विचार है, उस विचार को कोई पोस्टर गर्ल ना समाप्त कर सकती है ना बढ़ा सकती है। उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है लोगों की रुचि में और लोगों का जो जो एक परसेप्शन है उसमें हो सकता है, लेकिन ये एक दूरगामी निर्णय है। हो सकता है इसका तत्काल प्रभाव ना हो सकता है समय लगे, लेकिन ये जिसको हम गेम चेंजर कहते हैं वो हो चुका है। अब कभी इससे पीछे हटना संभव नहीं होगा और पार्टियां इससे जुड़ती चली जाएंगी, ऐसा हमारा मानना है। और बिल्कुल आपने कहा कि ये गेम चेंजर है, लेकिन जो प्रियंका गांधी, जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस इस बार दिख रही है, वाकई में दिख रही है, प्रियंका गांधी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी अब नजर आए हैं, जब वो संत रविदास जी की जयंती थी तब जाके वो नजर आए, तो कांग्रेस ने पूरी ताकत नहीं लगाई अपनी उत्तर प्रदेश में। फिर आप ये कह दीजिए कि सोनिया जी नहीं आई, आप ये कह दीजिए कि फला चिदम्बरम नहीं आए, आप ये कह दीजिए कि जयराम रमेश नहीं आए। अरे हरेक को एक चुनाव के समय में हरेक को एक दायित्व सौंपा जाता है। चिदम्बरम जी इस वक्त गोवा में है, जयराम रमेश मणिपुर में है, कल मैं मणिपुर चला जाऊंगा, तो कल आप ये कह दें कि यूपी को छोड़ के मणिपुर चले गए। जिसकी जहां उपलब्धि हो सकती है उसको वहां वहां हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। राहुल जी ने कोशिश ये करी कि सभी प्रांतों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां समय दें, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी हैं और वो बहुत लगन के साथ और बहुत गहराई के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को सुधारने के प्रयास में लगी हैं। इसलिए जब उनको लगा कि हम कहीं जाकर थोड़ा सा हम और इसमें उत्साह वर्धन कर दें तो वो आए, लेकिन जो दायित्व सौंपा प्रियंका जी को। जी सर, आपने आज वो अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके दृश्य देखे होंगे जब वो वोट देने आए, कड़ी सुरक्षा के बीच थे
और लगातार ये लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों इतनी सुरक्षा के बीच वो आए होंगे। आपका क्या असेसमेंट है? आप तो कानून मंत्री भी रह चुके हैं, मामला तो सुप्रीम कोर्ट के नजर में है, तमाम प्रक्रियाएं कोर्ट के अनुसार हो रही हैं, तो वो इस तरह से क्यों नजर वो अपनी, वो, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं किसी पर कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो और कितना ही उसके बारे में संदेह क्यों ना हो, जो चुनाव की प्रक्रिया है और वोट डालने की प्रक्रिया है वो अलग है। उसका अधिकार सबको है और सबको मिलता है और सबको मिलना चाहिए। लेकिन अब ये उनकी समझ है और जो प्रशासन है उसकी उसकी समझ है कि इनके आने से क्या वहां पर कुछ कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इनके आने से शांति भंग हो सकती है, ये उनकी समझ है। और उनकी समझ होते हुए एक निर्णय लिया गया होगा कि हमको ऐसे ऐसे प्रबंध करने हैं। हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो प्रबंध करें अच्छी बात है, कोई अशांति ना पैदा हो वो अच्छी बात है, हम भी ऐसा चाहते हैं। हम सिर्फ जवाबदेही चाहते हैं, हम अशांति नहीं चाहते। जी, जवाबदेही चाहते, अशांति नहीं। सर, आज ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है, उन्होंने एक तरह से बीएसपी की वकालत की, कहा कि उसको कमतर करके नहीं आंकना चाहिए। इस पे बीएसपी की तरफ से जवाब भी आया, क्योंकि एक बी टीम की आरोप लगा है बीएसपी पर। आपका क्या आंकलन है? देखिए, हमारा ये मानना है कि कुछ समय से बीएसपी का बहुत बहुत एक फुटप्रिंट था उत्तर प्रदेश में और उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन धीरे 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 उनका जो जो लोकप्रियता थी उसमें कमी होती गई, जो भी उनकी जो भी कारण रहे हों, और उन्होंने कैसे अपनी रणनीति बनाई, इन सब को देखते हुए ऐसा लगने लगा कि बीएसपी जो है वो सामने से खिसक रही है। हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटा लिया। अभी कुछ दो चार रोज में मायावती जी के कुछ कुछ बयान आए हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में एक साधारण व्यक्ति को भी मालूम है कि बीएसपी कहीं गायब हो गई है। बीएसपी का वो वर्चस्व नहीं है जो कभी आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले रहा था, ये सब मानते हैं। अब इस पर कोई खेल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ खेल करना चाहती है, बीएसपी उस पर प्रतिक्रिया करती है, ये अलग बात है, हमको इसमें कोई रुचि है नहीं। जो वास्तविकता है, जमीनी वास्तविकता, उसका लोगों ने जो है अपने अपने इंप्रेशन देखे हैं। जी सर, अखिलेश यादव माना जाए कि वो सबसे मजबूत टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को इस समय उत्तर प्रदेश में। देखिए, नहीं कहूंगा कि वो टक्कर नहीं दे रहे हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अगर हमको निर्णय करना पड़ा बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच में, तो जो भी हमारे अखिलेश यादव जी के साथ जो भी हमारी दूरी हो, हम निर्णय तो यही लेंगे कि हम बीजेपी को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं या बीजेपी को हम नहीं चाहते हैं कि वो फिर से आए और आगे बढ़े। तो इसलिए ये मान लीजिए कि अखिलेश यादव जी के लिए ये उपलब्धि है, या ये मान लीजिए कि ये हमारी मजबूरी है। जो भी है, ये सब बात सही है, लेकिन अगर वो सूझबूझ के साथ और कुछ समझदारी के साथ हमसे कुछ परामर्श कर लेते तो मैं समझता हूं कि वो शायद और अच्छी लड़ाई लड़ सकते थे। लेकिन परामर्श वो करें ना करें, ये तो उनका निर्णय है, हम उन पे दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप हमसे परामर्श करिए। ठीक है सर, सर मुझे दो सवाल रहते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुस्लिम वोट को लेकर 4 चरणों का मतदान हो चुका है। एक समय था जब कह सकते थे कि एन ब्लॉक मुस्लिम वोट करते थे एक तरफा, और अब बहुत समय के बाद ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है शायद एक तरफा मतदान हुआ है। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि उनकी बहुत अहम भूमिका है? मैं ये मानता हूं कि एक एक जो दृष्टिकोण है जो अल्पसंख्यक वोट के बारे में, और उनका अपना दृष्टिकोण है, वो एक जो व्यापक दृष्टिकोण है पूरे उत्तर प्रदेश का है कि उत्तर प्रदेश में इस समय हमारे लिए क्या विकल्प बेहतर होगा, एक वो है। दूसरा है कि उसका सबसेट है उसी के अंदर कि सीट सीट पर उसी लॉजिक को अगर हम अप्लाई करें तो वहां हमें क्या करना चाहिए, कि सीट पर अलग अलग रुझान हो सकता है और पूरे उत्तर प्रदेश में रुझान यही हो सकता है कि हमारे लिए विकल्प बेस्ट इस वक्त कौन है। यही बात है, ये हमारे लिए कहीं पर हमारे लिए एडवांटेज है, कहीं पर ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। लेकिन ये कोई धोखे में रहे कि हम ये फैसला कर रहे हैं, कोई ऐसा फैसला कर रहा है
तो ये फैसला जो है जीवन भर रहेगा ऐसा है नहीं, एक सामरिक फैसला हो रहा है इस समय की परिस्थिति को देखते हुए। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर और ना रहे, इसलिए एक सामरिक फैसला हो रहा है और उस सामरिक फैसले को मानना पड़ेगा। उसको कोई अगर उसको कोई झुटलाता है या कहता है कि ऐसा नहीं है तो मैं मानता हूं कि वो या तो सही बात नहीं कह रहा है या फिर उसको पूरी जानकारी नहीं है। जी, अहम बात आपने कही कि एक सामूहिक फैसला हो रहा है मुस्लिम समुदाय में। आखिरी सवाल सर, देश में कहीं भी कुछ होता है तो चुनाव चल रहे होते हैं उस पर असर पड़ता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है, आप किस तरह से उसे देख रहे हैं? एक तरफ कानून है, कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन एक पॉलिटिकल परसेप्शन इससे मैसेजिंग जाती है। बेशक बेशक कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और कानूनी प्रक्रिया जब होती है तो अगर हम समझते हैं कि गलत है तो हम उसको चुनौती दे सकते हैं, उसको हम कोर्ट में लड़ सकते हैं। लेकिन इतना भी सोच के रखना चाहिए कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता रुकना क्या संभव नहीं है? क्या ये दिखाने के लिए इलेक्शन के दौरान ही करना है? एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। चाहे वो किसी की गिरफ्तारी हो, किसी पर कोई कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, या फिर जो कर्नाटक में और जगह पर जो विषय उठाए जा रहे हैं, क्या ये आज विषय उठाने की आवश्यकता है? क्या ये आज से 10 दिन बाद नहीं हो सकता था? क्या ये आज से 2 महीने पहले नहीं हो सकता था? तो इस पर कुछ संदेह हमको प्रतीत होता है, संदेह। लेकिन अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग करते हैं, हर खेल करते हैं, हम इसका सामना करेंगे। अंततः हमको विश्वास है कि जनता जो भी निर्णय लेगी बहुत समझदारी से लेगी, और जहां पर अगर जनता ऐसा निर्णय ले देती है जो हम लोग समझते हैं कि उनके हित में नहीं है, तो वो आने वाले समय में उस निर्णय को भी वो चुस्त दुरुस्त कर देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अंत में जनता ही सही होती है और जनता को ही सही मानना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ, समय देने के लिए और अपना आंकलन उत्तर प्रदेश चुनावों पर देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, और एक अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि बैंकों के 18,000 करोड़ रुपए वापस आए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है, और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष बताइए, ये क्या पूरा मामला है? जी देखिए, पीएमएलए यानी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। 200 से ज्यादा याचिकाएं हैं और कहा गया है कि इसके प्रावधान इतने सख्त हैं कि वो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देश में है, न्याय प्रणाली में, उसके भी वो उल्लंघन में है। तो ऐसे में इन प्रावधानों को रद्द किया जाए, लेकिन यहां पर केंद्र सरकार डिफेंड कर रही है इन प्रावधानों को और कह रही है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और राहुल चौकसी से करीब 18। बिल्कुल, हम आशीष कर लेंगे, 18,000 करोड़ रुपए वापस आए हैं और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी है। नीरव मोदी, चौकसी और विजय माल्या, मेहुल चौकसी और विजय माल्या ने ये रकम लौटाई है बैंकों को 18,000 करोड़ रुपए की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, चुनाव चल रहे हैं और ये दृश्य चल रहे हैं, अपने आप में काफी अहम हो जाता है। जिस तरह से हम पूर्व कानून मंत्री को सुन रहे थे कहते हुए कि चुनावों के दौरान जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं उसका असर चुनावों पर एक तरह से पड़ता ही है। तो मुझे बताया जा रहा है आशीष जुड़ गए, तो आशीष जरा डिटेल में जानकारी दे दीजिए आप। जी देख, हाँ, तो जिस तरह से पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी गई है और यहाँ पर केंद्र सरकार डिफेंड कर रही है, वो बता रही है कि कैसे विजय माल्या, राहुल चौकसी और नीरव मोदी से जो देश बैंकों का पैसा लेकर विदेश चले गए हैं, भाग गए हैं, उनसे 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को वापस सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए एक्ट में कड़े प्रावधान है। उन्होंने ये भी कहा है कि 67,000 करोड़ रुपए के मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल लंबित हैं, 47 मामलों की जांच ईडी अभी कर रही है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी भी केस में ईडी पीएमएलए के तहत कार्रवाई करती है। वो ये बता रहे हैं कि लाखों एफआईआर दर्ज हुई पिछले 5 साल में, लेकिन कुछ सैकड़ों 4700 मामलों की जांच यहां पर ईडी ने अपने पास ली है, गंभीर मामले हैं। और उन्होंने सुझाव भी दी है केंद्र सरकार ने कि ऐसा नहीं है
दूसरे देशों में, हांगकांग हो चाहे यूके हो, वहां पर बहुत ज्यादा केस इस तरीके के रजिस्टर किए जाते हैं पीएमएलए जैसी धाराओं में और वहां पर कार्रवाई होती है, लेकिन भारत में जो इस कानून के तहत काफी सोच समझकर कार्रवाई हो रही है आगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आशीष। और फिलहाल देश की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको मुंबई ले चलेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और देश की बात में आइए सीधे रुख करते हैं मुंबई का। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है और सुबह ही ईडी उनके घर पहुंच गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी सोहित मिश्र के पास चलते हैं। सोहित, क्या अपडेट है इस मामले में? जी देखिए, नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया है, जहां पर लगातार दोनों तरफ से अपनी अपनी दलील पेश की जा रही है। जो ईडी के वकील हैं उन्होंने 14 दिन की हिरासत की मांग की है। उनका कहना है कि नवाब मलिक ने दरअसल एक जमीन का विवाद है, जो 50 लाख की जमीन किसी और के नाम पे थी, और आरोप ईडी का ये लगाना है कि उस जमीन को कुछ उस जमीन की अगर बात करें तो उसे कुछ लोगों ने हड़पा, जिनका 93 ब्लास्ट से या अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, और उसे नवाब मलिक को भेजा। 3,30,00,000 की जमीन को 55,00,000 में नवाब मलिक ने खरीदा है। 1999 की यह बात है और इस पर और जांच करनी है। दरअसल दाऊद इब्राहिम के भाई को जब अभी ईडी के पास उसकी कस्टडी आई है, उसमें जब जांच शुरू की गई उसमें नवाब मलिक का नाम सामने आया, और उसके बाद नवाब मलिक को आज पूछताछ के बुलाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अदालत में पेश किया गया है। ईडी की ओर से 14 दिन की रिमांड की मांग की गई है। हालांकि अभी नवाब मलिक के जो वकील हैं वो बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नवाब मलिक को खुद नहीं पता था कि ये जमीन किसकी है, और वो खुद भी इसमें गुनहगार नहीं है बल्कि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुआ है। तो इस तरह के कई सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी लगातार यही कह रही है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इस सरकार को गिराना चाहती है। शरद पवार एक बैठक कर रहे हैं वर्षा में, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक करने वाले हैं, जो बड़े नेता हैं सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं इस सरकार की, और कहीं ना कहीं हलचलें दोनों तरफ से तेज होती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल सोहित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें इस खबर पर। तो देश की बात में फिलहाल रुक करेंगे हम एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको कर्नाटक ले चलेंगे। शिवमोगा का जो मामला है उस मामले में अब तक 8 लोग हिरासत में, बताएंगे ब्रेक के बाद। और देश की बात में अब खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक के शिवमोगा में इस महीने की 26 तारीख तक कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है, और रविवार रात जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई, और पेट्रोलिंग के लिए पुलिस ने ड्रोन्स भी तैनात कर दिए, और सरकार ने डीजीपी को आदेश दिया है कि पुलिस की तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई, उसकी जांच रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर सरकार को दी जाए। और इस मामले में 8 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ मौजूद है। निहाल, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, कुल 8 लोग इसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं, और साथ ही साथ एक मांग बीजेपी की तरफ से भी उठ रही थी। कई वरिष्ठ नेताओं ने यह मांग की थी कि बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या का जो मामला है वो एनआईए को सौंप दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने फिलहाल एनआईए को सौंपने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल राज्य पुलिस ही इसकी जांच करेगी। साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से डीजीपी को एक पत्र दिया गया है, एक मेमो दिया गया है, और कहा गया है कि जब शिवमोगा में हाल में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी, इस तरह की खबर आ रही है, तो उसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? क्या इस हिंसा को रोकने में स्थानीय पुलिस नाकाम रही? आखिर इसकी वजह क्या थी, और पुलिस पर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं कि वो अपराधियों के साथ सांठगांठ रखती है? तो इन सब की जांच करके एक हफ्ते के अंदर पुलिस इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे। तो डीजीपी परवीन सूद कर्नाटक पुलिस के हैं, उनको ये रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर सौंपनी है। तो साफ है कि सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है, और सरकार खास करके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की बात आप करें तो पहले दिन से वो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि इसको हिजाब मामले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस तरह के जो हालात है इसमें सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने इसको उस रूप उसका रंग दिया, और उसके बाद हालात यहाँ पर खराब हो गए और कर्फ्यू लगाना पड़ गया। बिल्कुल निहाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं देश की बात में।
देश की बात में बात राजस्थान की। राजस्थान सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, यानी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को भी सरकार की ओर से पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि यह पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा है। कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक निर्णय आज पूरे देश के बाकी सरकारों के लिए भी सोचने का विषय बन जाएगा कि आपने पुरानी पेंशन सिस्टम लागू कर दी। राज्यों के अंदर हालात देखे हम लोगों ने, तो मैं समझता हूँ ये वापस सोचना पड़ेगा सबको ही कि एक कर्मचारी उम्मीद करता है कि मैं 35 साल की सर्विस के बाद में मेरा कम से कम ओल्ड एज मेरा सिक्योर हो जाए, पेंशन फिर DSR बढ़ता है उसकी पेंशन के। तो पुरानी पेंशन जो है इसीलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सिक्योर हो जाए। और देश की बात में जाते जाते चुनावों की बात की एक अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सोनभद्र से हमारे पास आइए। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विधानसभा के विधायक भूपेश चौबे कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए नजर आए। ये उठक बैठक इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 साल में कार्यकाल में उनसे वो बेहद नाराज हो गए थे। उनका आरोप था कि वो कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते थे, फोन भी नहीं उठाते थे, लिहाजा जब वो बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से बैठक की तो उसमें नाराज जो लोग थे उनकी नाराजगी को शांत करने के लिए उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें माफ किया है। तो मित्रों, और इन्हीं तस्वीरों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।